ब्यूटी ब्लेंडर को कर लेंगे हम गीला, अच्छे से गीला कर लेंगे ये, और अब इसको हम स्क्वीज करेंगे और चलते हैं जी फ्रीज़र की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और मेरे वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे। सो ये लुक आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि आईज़ मेकअप पहले से, हाँ जी आईज़ मेकअप पहले से कर लिया, और ये आप आई मेकअप चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा मेकअप। अगर अभी तक आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो मैं ये अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, ऊपर भी दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। अदरवाइज जाके थोड़ी सी मेहनत करके लेटेस्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा, ये आई मेकअप की है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये लुक और आप कैसे लग रहे हैं। सो आज की वीडियो कुछ अलग है, थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। सो आज हम करेंगे जी फ्रीज़ ब्यूटी ब्लेंडर को ट्राई। आपने वीडियो में देखा होगा स्टार्टिंग में कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को फ्रीज़ किया था, और ये चेक कर सकते हैं आप कि ये फ्रीज़ ही हो गया है और इससे धुएं भी निकल रहे हैं, मे बी आप देख सकते हो मे बी। सो हम लगाएंगे जी अपनी फाउंडेशन, मैं यूज़ करी अपनी फिट मी की फाउंडेशन, जो कि आपने मुझे बहुत दफ़ा लगाते हुए देखा है, और आज मैं इसको यूज़ करूँगी जी फाउंडेशन ब्रश के साथ, जो कि है जी बॉबी ब्राउन का। इसको मैं अपने फाउंडेशन ब्रश पे थोड़ा सा गिराऊंगी एंड देन इसको हम अप्लाई करेंगे और ब्लेंड करें। ये वीडियो मैं बहुत टाइम से बनाना चाहती थी, लेकिन मसला ये आ रहा था कि ठंड बहुत थी और ठंड में ये फ्रीज़र वाला काम नहीं हो सकता। सो मैं आपको सुनाती हूँ, वेट, ये इतना हार्ड है तो ठंड में ये काम मैं नहीं कर सकती थी। तो अब इसको हम ब्लेंड करना स्टार्ट करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फेस पे कोई बर्फ़ रगड़ रही हूँ। खैर इसको अच्छे से ब्लेंड करते हैं और देखते हैं कि जैसा कहा जाता है कि फ्लॉलेस बेस और वो सब कुछ वाला सीन है कि नहीं है। इसको काम, मुझे थोड़ा थोड़ा गीला गीला लगने लग गया, मे बी ये हमारे फेस की जो है वो गर्मी से या टेम्परेचर से ऐसा हो रहा है। बेस ब्लेंड तो अच्छे से हुई है, बहुत अच्छे से हुई है। अगर इसके अलावा मैं ब्लेंड करती हूँ तो इतनी जल्दी बेस ब्लेंड नहीं होती। थोड़े से दूसरे फेस पे लगाते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी ये हैक्स ट्राई करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कौन सा हैक्स आपने अभी तक ट्राई किया, और मेरी वीडियो देख के आपने कौन सा हैक ट्राई किया और आपको कोई रिजल्ट मिला कि नहीं। खैर इसको अभी भी ये फ्रीज़ है, ठंडा ठंडा लग रहा है। आपने सुना होगा कि हम मेकअप को फिक्स रखने के लिए आप जो हैं वो मेकअप से पहले आइस क्यूब को जो है वो फेस पर रब कर लें, तो मे बी ये हमारे फाउंडेशन को जो है वो बड़े अच्छे से, बहुत फ्लॉलेस बेस है, लिटरली फ्लॉलेस बेस है, आई लाइक इट, अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने कम टाइम में मैंने जो इसको ब्लेंड किया, और जो मैं आपको कही थी कि पानी पानी लग रहा है, लेकिन मैं फेस पे हाथ लगाया है को तो कोई पानी वाला सीन नहीं है। इसको यहाँ भी, क्योंकि मेरा माथा थोड़ा सा बड़ा है तो मुझे ऊपर तक जाना पड़ रहा है। आई लव इट, लिटरली आई लव इट। इसको अब मैं गर्दन पे लगाएंगे, और बाकी ये काम मैं ठंड में नहीं कर सकती थी तो मेरा डिसीजन ठीक था कि मौसम थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है वीडियो मे भी लेट हो जाए, और हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है, मे भी किसी को सही ना लग रहा हो, मे भी किसी को बहुत अच्छा लग रहा हो। सो आपको इस पे ब्लेंड इतना नहीं करना पड़ा, आप जो है ना, मतलब कि
ऐसे ब्लेंडिंग है, ऐसे लिटरली ऐसे ब्लेंडिंग है, और आप चेक कर सकते हैं इसको, ज़रूर एक ट्राई दीजिएगा। इससे मुझे ये फ़ायदा लग रहा है कि यार हम जो वो आइस क्यूब फेस पे पहले रब करते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी ब्लेंडिंग हुई है, कितनी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग है, कोई हार्श लाइन नहीं है, और बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि मेरा फेस नेचुरल है। आई लव इट, इट्स अ बिग यस। और आपकी फाउंडेशन लगेगी भी बहुत कम, एक पंप से आप देख सकते हैं, मैंने एक पूरी साइड की, एक पंप से मैंने ये पूरी साइड की, और एक पंप से मैंने अपनी पूरी नेक को कवर कर लिया। और सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं कि हम लोग जो है ना वो जहाँ तक गला है वहाँ तक अपनी जो है ना नेक को कवर नहीं करते। सो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, पानी पानी यहाँ लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ हाथ लगाएं तो कोई पानी नहीं। और आप चेक कर सकते हैं कि आई लाइक इट वेरी 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 मच। सो फाउंडेशन बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गई है, टोटली ब्लेंड हो गई है। बात करते हैं कि कहने को ज़रूरत ही नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लोज करके दिखा देती हूँ, आप ये चेक कर सकते हैं। कंसीलर वाला मैं पहले लगा चुकी थी, लेकिन फाउंडेशन इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्या एक ब्यूटी ब्लेंडर को उठा के गीला करें और उसके बाद उसको फ्रीज़र में रख दें, 30 मिनट रख लें। मैंने तो उसको कोई 1-2 घंटे पहले रखा था, लेकिन वीडियो लेट शूट की है, लेकिन आई लाइक इट यार, आप ये चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन उसको प्रेस कीजिएगा ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और अगर ये आई मेकअप लुक नहीं देखा तो इसकी वीडियो मैं प्रॉपर जो है वो अपलोड कर दूंगी अपने, इससे पहले चेक कर लीजिएगा, और इससे पहले अपलोड हो चुके हैं उसमें पूरा लुक आप देख लीजिएगा। सो ये फ्लॉलेस फाउंडेशन लाइक बेस्ट, जरूर ट्राई कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।